सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए ब्लॉग में। और अभी हमें चौपता में और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ उन खूबसूरत वादियों के बीच से जो कि है चौपता वैली की। और आज हमारा जो ट्रैक होने वाला वो अलकनाथ महादेव जी का, जहाँ महादेव जी की टांगों की और भुजाओं की पूजा होती है। तो अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है, तो हमने सोचा टाइम से ट्रैक शुरू करते हैं, धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो चलो दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता। चलिए, इस तरीके का आज का यही पहना होता अर्जुन। तो अभी क्या है कि ये सब जो हम जा रुके हैं, ये रूम हमें पड़ गया था लगभग भाई 2500 रुपये लिए पूरे गिन के, जैसे कि हमने सोचा नहीं था कि इतना लगेगा, लेकिन अभी अच्छा खासा उजाला हो गया। हमने सोचा था थोड़ा अंधेरे में निकल जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अभी भी ठीक है, सूर्योदय नहीं हुआ है, उजाला तो हो गया अच्छा खासा। बाकी मौसम भी साफ़ है, कल तो बारिश हो गई थी जब हम यहाँ पहुँच रहे थे, तो वही हाल है। लौंडे भी तैयार हो गए, दिखाता हूँ। ऊपर हम रहे थे, मतलब जस्ट मंदिर का जो गेट है उसके बगल में था हमारा रूम, क्योंकि हमने सोचा कि पास में रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी ऐसा कुछ माहौल इस टाइम पर चौपता का, ठंडा अच्छा खासा है। कल रात में तो बारिश हो गई थी तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। ये देखिए लोग अपने कुछ उठ रहे हैं, कुछ 4 बजे से ट्रैक कर रहे हैं। ये देखिए कैसा है चौपता। देखिए कितनी गाड़ियां आ रखी हैं, सारे के सारे। कल बहुत ज़्यादा था। और ये रास्ता है जहाँ से ट्रैक शुरू होगा तुंगनाथ महादेव बाबा जी का, सुबह सुबह का नज़ारा। और लड़के सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का ये है गेट मंदिर का। तो चलो बढ़ते हैं आगे, इंतजार करते हैं दोस्त का, वो आ जाएगा फिर चलेंगे। वो दोस्त आ गया ऊपर से। आ गए सर मंदिर से? सर रात कब चले थे? अच्छा रात कब चले आप? देखा तुम, दिखे नहीं। अच्छा, हर महादेव, हर महादेव। हर हर महादेव, हर महादेव। आजा जादू। महादेव जी की पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है, अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे के लिए। सुबह का टाइम है, लगभग 5:30 हो गया है, तो चलते हैं। बाकी मौसम अच्छा है, ठंडा, धूप हो जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। बाकी धीरे धीरे चलते रहेंगे। चलो जय शिव शंभू, जय शिव। 50 मीटर लगभग चलने के बाद सामने का नज़ारा आप देख सकते हैं, सूर्योदय की पहली किरण ठीक हिमालय में पड़ती हुई, और हिमालय सोने की तरह चमकता हुआ। तो ये देख सकते हैं आप, रास्ता एकदम खड़ी चढ़ाई, बस चलते जाना है। हर हर महादेव बोलते हुए बाकी मजा आ रहे हैं। ये नज़ारे हैं ना जो खींचते हैं मैं हर बार कि आओ आओ, और भोलेनाथ चाहते हैं तो कुछ भी हो जाता है। टिकट लेकर बुग्यालों में प्रवेश करना दंडनीय अपराध है, तो मेहरबान ये ना करें अपराध। बाकी ये जो हमारे साथ डॉगी है ना, ये भी हमारे साथ चल रहे हैं ऊपर, काफ़ी हैवी हैं ये, बहुत हैवी, देख सकते हैं आपने। ऑटो चलो बेटा। बाकी देख सकते हैं इस तरह का कुछ रास्ता है पत्थरों वाला। और चलो 100 मीटर चलने के बाद सांस फूल चुकी है तगड़ी वाली, तो मज़े आ रहे हैं। दो दिन से और की तबीयत खराब, लेकिन फिर भी ट्रैक हो रहा है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं, इतनी दूर आए तो जाना तो है। बाकी ऊपर हिमालय पे आ चुकी है अच्छी वाली धूप, दिखाता हूँ मैं आपको आगे से, वहाँ पे से दिखेगा। चलो ये देखो यहाँ पे से, हाँ सुंदर नज़ारा, हिमालय पे धूप पड़ती हुई कितना प्यारा लग रहा है। हाय हाय, ये है रास्ता। आधा किलोमीटर हम चल दिए हैं और पहुँच चुके हैं यहाँ पर एक बढ़िया सी और खूबसूरत सी लोकेशन पे, दिखाता हूँ हम लोगों को कैसी जगह है। ये देखो सामने एक बड़ा सा खूबसूरत सा बुग्याल है,
यहाँ तक फैला हुआ नीचे तक, और सामने पहाड़ों पे हल्की हल्की बर्फ गिरी हुई है, और वो सामने पे शायद से स्टे वगैरह है, नाश्ता वास्ता जो भी होगा। बाकी ये देख सकते हैं, ये देखिए नज़ारे कितनी ज़बरदस्त जगह, और वो देखिए पीछे द ग्रेट हिमालय क्या चमकता हुआ सूरज की रोशनी में दम दमाता हुआ। ये देखिए पीछे का नज़ारा, ओफो पूरे हिमालय दिख रहे हैं पीछे। हेलो, वेलकम बैक, वेलकम बैक। सो दोस्तों, तकरीबन हमने आधा ट्रैक कर लिया पूरा, और अभी हम क्या है कि हर 50 मीटर पे थक लग रही है, बैठना पड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं, हमारा आराम से चल रहे हैं। बाकी यहाँ से व्यू देखो पीछे का, कितना प्यारा और कितना सुकून आ रहा है यहाँ से देखो, देखने में सब धीरे धीरे लगे हमें साथ वाले, तो मज़ा आ रहे हैं। बाकी आपको दिखाता हूँ मैं आगे का रास्ता कैसा है। पानी जमा हुआ पानी, ये देखिए व्यू हिमालय श्रृंखला, और ये रास्ता है ऊपर को जा रहा है, ओ उधर को उधर साइड वहाँ। चलो, सूर्य के दर्शन होने वाले हैं, और आपको दिखा दूँ मैं ऐसे मंदिर का पहला नज़ारा दिखता है। ये देखिए जो ये है ना वाइट वाइट, ये मंदिर है, तो हमें अभी वहीं जाना है। ये देखो कितने सारे लोग जा रहे हैं, ये सारे के सारे जा रहे हैं ऊपर, तो यहाँ से तकरीबन 1 घंटा लगने वाला है। और ये देखो भाई सामने का व्यू चौखंबा, कितना नज़दीक दिख रहा है ना, ये देखो जूम करके देखो कितना पास है, वाह। ये है चौखंबा पर्वत, दिखाऊँ कहाँ से आ रहे हैं, वो नीचे से आ रहे हैं, हम वो नहीं रहा उधर से आ रहे हैं। वो देखिए यहाँ से हो रहे हैं तुंगनाथ बाबा के पहले दर्शन, हर हर महादेव देख सकते हैं आप लोग, बस इतना सही रह गया ये है रास्ता। और ये सामने का व्यू चौखंबा, थोड़ा सारी पर्वत से निकला, तो पहुँच चुके हम। हाँ, तकरीबन 2 से 2.5 घंटा लग गया मैं यहाँ से चढ़ते हुए ना। हाँ पीते हैं बनवा दे, और अच्छा लग रहा है, धूप नहीं मिली हमें, बाकी सब जगह धूप आ गई। दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से आना है ऊपर मंदिर है सामने पे ही, सारी बर्फ़ गिरी हुई है। ये देखो ये यहाँ का चाय वगैरह मिल रही है, और देखो इधर तक बस धूप लगी हुई है, बस ये देखो यहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ है, यहाँ पे ऊपर इधर सारी जगह। अच्छा कुंड, यहाँ पर एक कुंड है, चलो चल कर देखते हैं वहाँ पर। देख सकते हैं कितना ठंडा है यहाँ पे, इधर पूरा का पूरा स्नो जमा हो गया। ये देखो यहाँ पे भी, बाकी ये है आकाश कुंड, क्या है इसकी कहानी कुछ पता नहीं मुझे। बाकी ये देखो क्यू आर कोड की प्लास्टिक बोतल सर पास शादी 100 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा, तो पढ़ लेंगे। चलिए धीरे धीरे, ये मंदिर का पूरा एरिया हर हर महादेव। वाह, तो
दोस्तों पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट पे और ये रहा रास्ता। चलो चलते हैं, दिखाते हैं। अभी थोड़ा प्रसाद लेते हैं, थाली क्या होती है, थाली भाई दिखाना जरा। उधर देखो स्टॉप पे लोग धूप सेकते हुए, हम भी चलेंगे थोड़ी देर बाद। और यहाँ से चंद्रशिला है 1 किलोमीटर में, दो नहीं है, एक है। 1 किलोमीटर यहाँ से चंद्रशिला है और इधर मंदिर है, अभी हम इधर जाएंगे। मज़ेदार था ये ट्रैक, मज़े आ गए भाई। ये देखो, ओहो हाँ, चलो चलते हैं मंदिर की ओर। हर हर महादेव शिव शंभू, 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 हर शिव शंभू, हर हर महादेव शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव। देख सकते हैं आप लोग, दर्शन हो गए अच्छे वाले। ये मेरे ठीक पीछे तुंगनाथ महादेव का भव्य मंदिर और ये पूरा का पूरा प्रांगण। हाँ, ठंडा काफी बढ़िया। जय शिव शंभू। फोटो लेंगे अभी सर, पांडा जाएंगे ना। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर है महानंदा पार्वती का मंदिर। जय माता दी। और यहाँ पे भैरवनाथ जी का मंदिर है। जय भैरवनाथ जी, जय भैरवनाथ जी, आ रहा हूँ। जय भैरवनाथ, जय भैरवनाथ जी। और ये हैं 5 पांडवों के 5 मंदिर, ये देख सकते हैं आप। और ये है श्री तुंगनाथ बाबा, आशीर्वाद बनाए रखे। सामने दिखता हुआ चौखंबा पर्वत। मंदिर के दर्शन हो गए अच्छे से और थोड़ी बहुत वीडियो फोटोज़ भी ले लिए। अभी जा रहे हैं हम मंदिर के वो पीछे वाले हिस्से में, तो दिखाता हूँ आपको चल के। उधर भी मंदिर है और यहाँ पे आपने देखे होंगे पांडवों के 5 मंदिर, तो चलो चलते हैं, दिखाता हूँ बैक। तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर बैक साइड से। और अभी हम जा रहे हैं इधर साइड को, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है। देखो ये, देखो ये सारी पूरा जमा हुआ है। उस साइड से जाना था लेकिन उस साइड से क्या था, वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरा हुआ था, तो इसलिए इस साइड से आ रहे हैं। बाकी यहाँ पे भी मंदिर है, ये देख सकते हैं आप। हर हर महादेव। नंदी महाराज जी, पहले दर्शन। अरे बाबा, सो दर्शन हो चुके हैं अच्छे वाले। और अभी थोड़ा धूप सेकते हैं, बहुत ठंडा लग गया वहाँ पे। उसके बाद जाएंगे चंद्रशिला। और हाँ हाँ हाँ, क्या ही धूप लग रही है। हाँ, तो थोड़ा सा धूप सेकते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे चंद्रशिला के लिए। बाकी ठंडा ठीक ठाक है और व्यू देख रहा है मेरे पीछे हिमालय का, कितना सुंदर दिख रहा है यार, एकदम ज़बरदस्त वाला। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो
अच्छा लगा। हर हर महादेव।